सुनने में आया है कि अभिषेक बच्चन यशराज बैनर की अगली फिल्म में ऋतिक रोशन के पिता का किरदार निभाएंगे, लेकिन इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि फिल्म में ऋतिक और रोशन अभिषेक बच्चन के जुड़वा बच्चों के नाम हैं। खैर, अब आइए खास मुलाकात करते हैं हमारी आज की खास मेहमान महिमा चौधरी के साथ इन बॉलीवुड दिल से। जितना मैं फील करती हूँ, आई थिंक मैं सिर्फ 10% एक्सप्रेस कर पाती हूँ, उससे कहीं ज़्यादा मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, बट क्योंकि मैच्योरिटी आ जाती है या फिर आपको पता है कि इट्स नॉट गुड और सो मेनी थिंग्स आई थिंक जो सबको स्टॉप करती हैं, आई डोंट एक्सप्रेस माई सेल्फ। सो आई थिंक इट्स अ कम्प्लीट मिसकंसेप्शन दैट आई स्पीक माई माइंड, बिकॉज I think 90% of the time I don't speak my mind, I just shut up like everybody else. So it's really something that doesn't go with me, but people think that I speak my mind, but there's a lot I want to speak about, but I don't. अपने रेंटेड घर में आजकल वो बहुत सारी पार्टीज रखती हैं, यहाँ तक कि एक पार्टी तो सुबह के 8 बजे तक चली, नेबर्स को उठने के लिए अलार्म की जरूरत भी नहीं पड़ी और घर में पुलिस आ गई क्योंकि म्यूजिक बहुत तेज था। हमारे हिसाब से कोंकणा को पुलिस को बता देना चाहिए था कि वो माधुरी दीक्षित के साथ आजा नचले में एक्ट कर रही हैं और रात भर डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। फारा खान की ओम शांति ओम में ओम का किरदार निभाएंगे शाहरुख खान और दूसरे ओम का किरदार निभाएंगे शाहरुख खान। जी हाँ, शाहरुख का इस फिल्म में डबल रोल है, लेकिन डुप्लीकेट की तरह दोनों शाहरुख एक साथ नजर नहीं आएंगे, एक मरेगा तो दूसरा जन्म लेगा। इस फिल्म में शाहरुख, मनोज कुमार और 70 के दशक के अन्य एक्टर्स की नकल उतारेंगे। अब जाहिर है कि फिल्म के कॉमेडी हिस्से ट्रिब्यूट कहलाएंगे। फराह और शाहरुख उम्मीद कर रहे हैं कि इंडस्ट्री की ये हस्तियां इसे राइट स्पिरिट में लेंगी। गीता बत्रा को ट्रेन से धक्का दे दिया गया है, नहीं नहीं, नॉट लिटरली, उनकी फिल्म ट्रेन की प्रमोशन से उन्हें बाहर रखा गया है। उनका कहना है कि इसकी वजह है फॉर्मर मिस इंडिया सयाली भगत, जिनको प्रोड्यूसर्स ने ज़्यादा प्रमोट करने का फैसला किया है। वैसे सोचने वाली बात है, ना तो कोई गीता बसरा को जानता है ना ही किसी सयाली भगत को, क्योंकि दोनों ही न्यू कमर्स हैं, तो फिर सयाली को प्रमोशन के लिए ज़्यादा यूज़ क्यों किया गया है? कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि सयाली एक फॉर्मर मिस इंडिया है, या फिर कोई और बात है? लेकिन जब लोगों को इस साल की मिस इंडिया याद नहीं है तो फिर सयाली को कौन याद रहेगा? हिमेश रेशमिया की फिल्म आपका सुरूर की पब्लिसिटी जोरों शोरों से चल रही है। अब सुनने में आया है कि हिमेश ने अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए कार्टून कैरेक्टर्स बनवाए हैं और दूसरी तरफ इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने हिमेश की फिल्म की पब्लिसिटी सोनू निगम के हाथ में सौंप दी है। हुआ ये कि इनक्रेडिबल्स नाम के एक कॉन्सर्ट में शो से पहले और शो के बीच में हिमेश की नई मूवी की सीरीज ऑडियंस में बांटी गई और खबर ये है कि ये सीरीज मूवी के प्रोड्यूसर और कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर विजय तनेजा ने शो में बंटवाई। जी हाँ, एक आदमी खड़ा होकर यहाँ वहाँ सीरीज फेंक रहा था। अब तक तो लोग हिमेश के गानों से अपने कान बचाया करते थे, अब तो सर भी बचा रहे हैं। अब अनामिका जैसी हाई बजट फिल्म्स को फाइनेंस करना कोई आसान काम तो है नहीं, काफी कॉन्फिडेंस चाहिए डीनो मौर्या और अनंत महादेवन की फिल्म पर पैसा लगाने के लिए। और अब फिल्मों के बजट और भी बढ़ने वाले हैं क्योंकि रेलवे ने अपनी फीस बढ़ाने का फैसला किया है। जी हाँ, पहले स्टेशन पर शूट करने के लिए फीस थी सिर्फ 10,000 रुपए, जिसे बढ़ाकर अब कर दिया गया है 1,00,000 रुपए। बॉलीवुड की फिल्मों में ट्रेन और स्टेशन की काफी अहमियत रहती है, चाहे वो 1:40 की लास्ट लोकल जैसी कॉमिक थ्रिलर हो या साथिया जैसी रोमांटिक फिल्म। और अगर किसी ने बातों बातों में का रीमेक बनाने की सोची, फिर तो बातों बातों में उनकी पॉकेट भी खाली हो जाएगी।